अस्सलाम वालेकुम, मेरे स्पेशल सर्वर्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी विदाउट एनी अवन, और साथ ही पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि वीडियो के लास्ट में मिलेगी आपको। सो कीप वॉचिंग टिल एंड। नीम गर्म पानी मैंने हाफ कप लिया है और उसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर ली है और 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट ऐड करके मिक्स करके इसको 20 मिनट के लिए आपने रख देना है। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर लें, मिक्स कर लें और फिर वो यीस्ट लिक्विड ऐड करके आपने इसका अच्छा सा डो रेडी कर लेना है। ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए। रिमेनिंग मिक्सचर भी मैंने ऐड कर लिया था और फिर इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से आपने गूंदना है। 1 टीस्पून ऑयल शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह से मजीद गूंद लिया था और फिर आपने एक बॉल ले लेना है, उसको ऑयल से ग्रीस कर लें, उसमें शामिल कर लें इस डो को। ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया था और फिर इसको किचन में रख दें राइज होने के लिए। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें मैंने 200 ग्राम्स बोनलेस चिकन क्यूब्स ऐड कर लिए, उसको फ्राई कर लिया कलर चेंज होने तक। और फिर मैंने इसमें ऐड किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और मजीद इसको फिर फ्राई किया, और नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर भी 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल किया था, 1/2 लेमन का जूस, और फिर इसको मजीद फ्राई किया और 2 से 3 टेबलस्पून वाटर ऐड करके इसको कवर करके रख दिया 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। चिकन टेंडर हो जाए तो इसको हाई फ्लेम पे ड्राई कर लें और ये रेडी है। पिज्जा प्लेट को रेडी कर लेते हैं। ऑयल से ग्रीस कर लें और फिर ड्राई फ्लावर से डस्ट कर लें और इस तरह से टैप करके स्प्रेड आउट कर लें। डो अच्छा सा रेडी हो चुका है, अच्छा सा राइज हो गया है, चेक कर लीजिए। और तकरीबन इसको 1.5 आवर लगा था। और नेक्स्ट अब मैंने दोबारा से मैदा डस्ट करके इसको मजीद स्ट्रेच एंड नीट किया था ताकि अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा पिज्जा क्रस्ट रेडी हो। बॉल बना लिया और फिर मैंने रोलिंग पिन यूज करते हुए इसका राउंड रेडी किया और फिर राउंड को थोड़ा सा मैंने हाथों की मदद से फैला लिया और पिज्जा प्लेट पे इस तरह से एडजस्ट कर लें। फिंगर्स को यूज करते हुए आपने इसका एजेस रेडी कर लेना है और फिर फोक की मदद से प्रिक कर लें। पिज्जा सॉस जो मैंने रेडी करूंगी लास्ट में आपको दिखाऊंगी, और अप्लाई की है मैंने अब चेडर चीज और मोजरेला चीज ग्रेटर से ग्रेट की हुई थी। वेजिटेबल्स में मैंने टोमेटोज, कैप्सिकम और कुछ अनियन ऐड किए हैं। चिकन जो हमने रेडी की थी वो ऐड कर ली और उसके बाद मैंने चीज दोबारा से ऐड की है, और लास्ट में टॉपिंग जो है मैंने ऑलिव्स और स्वीट कॉर्न से की है। ओरिगैनो बहुत जरूरी है, इसको स्प्रिंकल किया है 1 पिंच। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने स्टैंड रख लिया और उसको हाई फ्लेम पे 5 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट कर लिया था। पिज्जा इसमें प्लेस कर लिया और फिर मैंने बटर अप्लाई किया था 5 to 10 मिनट्स के बाद। रिमेनिंग आपने कुकिंग जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है, 25 से 30 मिनट में ये रेडी हो जाता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। क्विक एंड टेस्टी पिज्जा सॉस के लिए 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1/4 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर, 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर और ओरिगैनो 1/4 टीस्पून शामिल किया है और ये रेडी है। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।